हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन टेक्निकल क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे इनवर्स लैपलास थ्योरम। पिछले वीडियो में हम पढ़े थे लैपलास का चारुपट्टी हम देखे थे। चारुपट्टी हमारा कंप्लीट हो गया है, उस पर हम अच्छे से क्वेश्चन भी कराए थे। क्वेश्चन वीवीआई एग्जाम पॉइंट पे बहुत ही वीवीआई है। और आज हम पढ़ेंगे इनवर्स लैपलास। इनवर्स लैपलास का बेसिक फॉर्मूला है, इनवर्स लैपलास का जस्ट लैपलास का अपोजिट है और कुछ नहीं है। लैपलास ऑफ वन होता था 1/s, इसलिए लैपलास इनवर्स ऑफ 1/s इक्वल टू 1। लैपलास ऑफ टी टू द पावर एन होता था n+1 का फैक्टोरियल वाला s टू द पावर n+1, लेकिन यहां पे लैपलास इनवर्स ऑफ n+1 का फैक्टोरियल बाय s टू द पावर n+1 इक्वल टू द पावर n। बस इसका जस्ट अपोजिट है, जैसे हम बता दे रहे थे कि लैपलास ऑफ 1 होता था 1/s, इसे हम इस पट्टी इस टाइप ट्रांसफर करेंगे LHS टू RHS में, यहाँ पे 1 बचेगा, आई हो जाएगा लैपलास इनवर्स ऑफ 1/s। देखिए यही लिखा हुआ है, यही फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, जस्ट उसी फॉर्मूला से ड्राइव किया गया है फॉर्मूला और कुछ नहीं है। उसी तरह से लैपलास इनवर्स ऑफ 1/s माइनस ए इक्वल टू ई टू द पावर एटी, लैपलास इनवर्स ऑफ 1/s टू द पावर ए एस प्लस ए इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एटी। हम बताए थे अगर बीच में माइनस रहता है तो यहाँ पे प्लस होता है, अगर यहाँ पे प्लस होता है तो यहाँ पे माइनस होता है, ये हम बता चुके थे। फिर लैपलास इनवर्स ऑफ ए बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बताए थे कि जब साइन आता है साइन एटी, साइन आता है तो ए ऊपर जाता है और उसका नीचे इसका स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अगर कॉस रहेगा तो एस ऊपर जाएगा, अगर वही हाइपरबोलिक फंक्शन रहेगा साइन में तो बीच में माइनस हो जाएगा लेकिन ऊपर ए रहेगा, अगर कॉस एटी कॉस हाइपरबोलिक रहेगा तो बीच में माइनस रहेगा ऊपर में एस रहेगा। अरे देखिए लैपलास इनवर्स ऑफ 1/s एस टू दी पावर एन इक्वल टू टी दी पावर एन माइनस वन बाई एन माइनस वन का फैक्टोरियल, ये भी फॉर्मूला यहाँ से डिराइव किया गया है, ये फॉर्मूला नंबर 9 यहाँ से डिराइव किया गया है। आप लोग आशा आप लोग इस फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा, ये वीवीआई है, इसे ऑब्जेक्टिव एक या दो नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। डायरेक्ट फॉर्मूला दिया रहेगा, इतना दिया रहेगा आपको वैल्यू और चार ऑप्शन रहेगा 1, 2, 3 एन ऑफ दीज, तो आपको 1 मार के आना होगा। उसी तरह से ए दिया रहेगा, बोलेगा ई टू दी पावर और चार ऑप्शन दिया रहेगा, चार ऑप्शन दिया रहेगा ई टू दी पावर एटी, ई टू दी पावर माइनस एटी, ई टू दी पावर बी टी या नाइन ऑफ दीज, आपको ई टू दी पावर एटी मार के आना होगा। ये फॉर्मूला वीवीआई एकदम एग्जाम पॉइंट के लिए वीवीआई है, इसलिए आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं इस पर कुछ प्रॉब्लम का, अब हम चलते हैं लैपलास इनवर्स की प्रॉपर्टी की तरफ। इसमें भी चार प्रॉपर्टी, इसमें भी हम चार ही प्रॉपर्टी पढ़ाएंगे। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट लिनियरिटी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी सेकंड फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, फिर प्रॉपर्टी नंबर थर्ड में पढ़ाएंगे हम मल्टीप्लिकेशन बाय टू द पावर एन, और प्रॉपर्टी नंबर फोर में पढ़ाएंगे डिवाइड डिविजन बाय टू टी, यही चार प्रॉपर्टी हम पढ़ाएंगे। तो हम चलते हैं पहला प्रॉपर्टी की तरफ, लिनियरिटी प्रॉपर्टी। हम लोग प्रॉपर्टी से चलने से पहले, प्रॉपर्टी की तरफ चलने से पहले लैपलास ट्रांसफॉर्म बाय पार्शियल फ्रैक्शन ये जाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये बहुत ही यूज होता है क्वेश्चन में आते समय। लैपलास 1/s माइनस एस माइनस बी, जिसे ए बाई एस माइनस एस बी बाई एस माइनस बी भी लिख सकते हैं। ये लैपलास पार्शियल फ्रैक्शन में आप लोग पढ़े ही होंगे, जैसे 1/s माइनस एस स्क्वायर माइनस बी, तो ए बाई एस माइनस ए बी एस प्लस सी बाई एस स्क्वायर माइनस बी, 1/s स्क्वायर प्लस ए एस प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए एस प्लस बी, अगर देखिए यहाँ पे स्क्वायर रहता है तो ए एस प्लस बी हो जाता है, और फिर सेपरेट सेपरेट स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, अगर क्यू रहेगा तो यहाँ पे जाएगा ई बाई एस प्लस बी का होल क्यू, मतलब जितना रहेगा उतना बढ़ता जाता है। अब हम लोग चलेंगे प्रॉपर्टी की तरफ, अब हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट क्या चीज है, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट है लिनियरिटी प्रॉपर्टी। लिनियरिटी प्रॉपर्टी हम लैपलास ट्रांसफॉर्म में पढ़े थे, बस वही है लैपलास ट्रांसफॉर्म, बात यहाँ पे लैपलास ट्रांसफॉर्म में यहाँ पे एल था और यहाँ पे भी एल था, यहाँ पे भी एल था, लेकिन इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म में क्या चीज है, यहाँ पे लैपलास इनवर्स ए एफ एस प्लस बी जी एस, यहाँ पे भी वही होगा, कॉन्स्टेंट बाहर हो जाएगा और सब में लैपलास इनवर्स लग जाएगा। देखिए देखिए हम कर दिए हैं, और हम देखिए दो क्वेश्चन लिए हैं, दो क्वेश्चन सोल्व कर देते हैं तो आप लोगों को ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्यूशन, देखिए लैपलास इनवर्स फर्स्ट में लगा हुआ है, दो का अंदर एफ एस दिया हुआ है एफ एस जी एस, तो हम इसे सेपरेट सेपरेट कर देंगे
तो क्या चीज जाएगा लैपलास इनवर्स 1/s-2 प्लस लैपलास इनवर्स, देखिए यहाँ पे कांस्टेंट है 6, 6 को हम बाहर कर सकते हैं, हाँ बाहर कर सकते हैं 6/1/s² प्लस 9, ये हो गया हमारा। इसके बाद देखिए हम अभी फॉर्मूला बताएं, लैपलास इनवर्स ऑफ 1/s-a, लैपलास इनवर्स ऑफ 1/s-a इज इक्वल टू e टू द पावर ए टी, बस ये फॉर्मूला बताए थे। फॉर्मूला है, देखिए यहाँ पे एक जगह पर 2 है तो क्या चीज हो जाएगा e टू द पावर 2t प्लस 6, देखिए 6 इंटू लैपलास इनवर्स ऑफ 1/s² प्लस 9, इसे लिख सकते हैं लैपलास इनवर्स 1/s² प्लस 3 का स्क्वायर। अब देखिए इतना हम लोग इसे लिख सकते हैं, और इसके बाद देखिए हम फॉर्मूला बताए थे लैपलास इनवर्स ऑफ a/s² प्लस a² इज इक्वल टू साइन 80, ये फॉर्मूला बताए थे। अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ पे साइन ही क्यों हम लिखे हैं, कॉस लिख सकते थे, देखिए कॉस लिखने से पहले कॉस के ऊपर एस आता है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे एस नहीं, यहाँ पे कांस्टेंट है, मतलब कांस्टेंट है तो यहाँ पे साइन लगेगा, साइन वाला फॉर्मूला लगेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि हाइपरबोलिक क्यों लगा है, साइन में हाइपरबोलिक भी क्यों नहीं लगा है, तो हाइपरबोलिक कैसे लगाते हैं, हाइपरबोलिक में यहाँ पे माइनस होता है, यहाँ पे देखिए प्लस है, इसलिए हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब देखिए हमारे नीचे 3 का स्क्वायर है, यहाँ पे हमारा 3 का स्क्वायर है, यहाँ पे 1 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर हमारे पर 3 हो गया, 1 यहाँ पर 3 हो गया, और देखिए ऊपर में भी ये चाहिए हमको, हमको ऊपर में भी ये चाहिए, तो यहाँ पे तो हमारा ऊपर में ये नहीं है, इसे ऊपर में ए लाने के लिए देखिए हम लोग इसे 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड कर दिए, 3 से मल्टीप्लाई कर दिए और 3 से इसको डिवाइड कर दिए, ठीक। अब देखिए कट क्या चल जाएगा, 3 × 2 = 6, तो यहाँ पे 2 बचेगा, अब तो आराम से लग सकता है फॉर्मूला, इसीलिए e टू दी पावर 2t प्लस 2 ये हमारे क्या हो जाएगा साइन 3t, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। हम देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा ये है, तो देखिए इसमें भी हम सेपरेट सेपरेट लिनियरिटी प्रॉपर्टी लगाकर इसमें भी सेपरेट सेपरेट कर सकते हैं, तो लैपलास इनवर्स ऑफ 2/s-4 माइनस लैपलास इनवर्स ऑफ 1/s+6, इसे हम लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, लिनियरिटी प्रॉपर्टी लगाकर हम इसे अलग अलग कर दिए, फिर हम ऐसे ही से लिख दिए। उसके बाद देखिए लिनियरिटी प्रॉपर्टी से कांस्टेंट जो है सो बाहर हो जाता है, देखिए तो कांस्टेंट यहाँ पे 2 है, 2 बाहर हो गया, तो 2 लैपलास इनवर्स 1/s-4 और माइनस नहीं देखिए लैपलास इनवर्स ऑफ s+6, तो हमें फॉर्मूला बताए थे लैपलास इनवर्स ऑफ 1/s+a इज इक्वल टू e^-80, हमें बोले भी थे कह रहे यहाँ पे प्लस रहता है तो यहाँ पे माइनस होता है, अगर यहाँ पे माइनस रहेगा तो यहाँ पे प्लस होता है, ये फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा तो क्या चीज हो जाएगा e^-80, a हमारा यहाँ पे 6 है तो e^-6t। इसके बाद देखिए फिर देखिए हम लोग इज इक्वल टू 2, ये फॉर्मूला भी यहाँ पे भी लगेगा, यहाँ पे भी कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये फॉर्मूला लगेगा लैपलास इनवर्स ऑफ 1/s-a इज इक्वल टू e^-80, यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा, देखिए यहाँ पे एक यहाँ पे क्या है 4 है तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे एक जगह 4 है तो क्या हो जाएगा e^-40 - e^-60, ये हो गया हमारा आंसर। ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में रहता है 1 नंबर में, तो इसे अच्छे से कर लीजिए, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब हम चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या चीज है हम लोग देखेंगे। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लैपलास इनवर्स ऑफ एफएस, लैपलास इनवर्स ऑफ एफएस इक्वल टू एफटी, मतलब लैपलास इनवर्स जिसका दिया रहेगा उसका हम एफटी निकालेंगे। अगर मान लीजिए एस जो है सो एस इंस्टेंट टू अगर एस माइनस ए में हो जाएगा तो यहाँ पे देखिए e^80 बाहर निकल जाता है और एफटी मतलब जो ये रहेगा वो आप e^80 बाहर निकल जाता है, इसके अनुसार निकलता है e^80। अगर s-a है जहां जहां s है वहां वहां s-a है,
वहां वहां ई टू द पावर 80 निकलेगा, अगर यहाँ जहां जहां एस प्लस ए है वहां ई टू द पावर माइनस 80 निकलेगा। जैसे लैपलास इनवर्स ऑफ ए एफ एस माइनस ए एस प्लस ए रहेगा तो वहां निकलेगा ई टू द पावर माइनस 80 और एफ टी। अब देखिए हम लोग इससे क्लियर नहीं होगा इसलिए हम कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं, क्वेश्चन कराएंगे डील कराएंगे तो ज्यादा क्लियर होगा, इसलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हम लोग अब चलते हैं, ये जो क्वेश्चन है वो वीवीआई है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है, ज्यादा एक क्वेश्चन अब एक क्वेश्चन तो पूछा हुआ ही है, ये क्वेश्चन तो हम नॉर्मल क्वेश्चन है, ये दो क्वेश्चन वीवीआई एग्जाम में पूछा हुआ है और ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है, चार नंबर में पूछता है। एक रहेगा आपको लैपलास से, एक रहेगा लैपलास इनवर्स से, लैपलास से रहेगा उसके और में रहेगा लैपलास इनवर्स, और ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा, ज्यादा हार्ड नहीं आता, बहुत ही आसान है, आप लोग देखे ना बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह हम लोग चलते हैं, लैपलास इनवर्स ऑफ 2 / s - a² + 4। देखिए लगा दीजिए लिनियरिटी प्रॉपर्टी, लिनियरिटी प्रॉपर्टी नहीं, फर्स्ट स्वीपिंग प्रॉपर्टी। देखिए हम बोले थे जहां जहां s है वहां वहां s माइनस ए होना चाहिए, तो देखिए यहाँ पे मात्र एक s है और वो s माइनस ए में कन्वर्ट है, तो s माइनस ए में जो कन्वर्ट है उत्तर हम बोले थे क्या चीज बोले थे, वो हम e टू दी पावर, अगर यहाँ पे माइनस है तो e टू दी पावर 80 बाहर निकलता है, तो हम e टू दी पावर 80 बाहर निकाल देंगे, e टू दी पावर 80। अब क्या चीज बच गया हमारे पास, लैपलास इनवर्स e टू दी पावर 80 बाहर निकल गया, तो क्या चीज बचा, लैपलास इनवर्स 2 / देखिए ये तो निकल गया बाहर, यहाँ पे एस तो बचेगा ही ना, तो एस स्क्वायर प्लस 4 ये हमारा बच गया। अब देखिए e टू दी पावर 80 लैपलास इनवर्स 2 / s² + 2 का स्क्वायर। हम फॉर्मूला बताए थे अगर कांस्टेंट जो है सो ऊपर में रहे और उसका स्क्वायर नीचे में रहे और बीच में प्लस रहे तो साइन 80 का होता है फॉर्मूला, तो क्या चीज जाएगा e टू दी पावर 80 साइन 2t, ये हमारा हो गया आंसर। अब आप लोग इसे नोट कर लीजिए, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड जस्ट इसी ऐसा ही क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर थर्ड तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड का एकदम फोटो कॉपी है, इसलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड हम नहीं बताएंगे, आप लोगों को खुद बनाना क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ चलते हैं, लैपलास इनवर्स ऑफ 3 / s + 4² + 9। ये देखिए हम क्या चीज बोले थे, जहां जहां एस है वहां वहां एस माइनस ए चाहे एस प्लस ए, एस जो है स्टैंड करेगा एस प्लस ए एस माइनस में, एस माइनस ए में अगर प्लस में स्टैंड करेगा तो हम ई टू दी पावर माइनस 80 बाहर निकालेंगे, अगर माइनस में स्टैंड करेगा तो ई टू दी पावर प्लस 80 बाहर निकालेंगे। यहाँ पे देखिए प्लस में स्टैंड कर रहा है, यहाँ पे मात्र एक ही एस है और जो एस प्लस ए में स्टैंड कर रहा है, तो हम यहाँ पे ई टू दी पावर 80 माइनस 80 यहाँ पे निकलेगा, बिकॉज यहाँ पे प्लस है इसलिए माइनस 80 निकलेगा, तो माइनस 80 एक यहाँ पे 4 है तो ई टू दी पावर माइनस 40 जो है सो बाहर निकल गया। अब देखिए बच्चा हमारे का कि हमारे पास क्या चीज, लैपलास इनवर्स 3 / s² यहाँ पे सिर्फ एस स्क्वायर बचा है तो वहां निकल गया ई टू दी पावर 80, तो हमारे पास एस स्क्वायर बचा प्लस 9 किसका स्क्वायर रूट है तो 3 का 9 किस तो 3 का स्क्वायर = 9। अब देखिए ई टू दी पावर माइनस 40 हम फॉर्मूला बताए थे लैपलास इनवर्स ऑफ ए बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू साइन 80, बताए थे कि साइन रहता है तो ए जो है सो कांस्टेंट ऊपर भी रहता है और कांस्टेंट का स्क्वायर नीचे भी रहता है और बीच में प्लस रहता है, अगर साइन का हाइपरबोलिक रहेगा हाइपरबोलिक फंक्शन तो ऊपर में भी ए ही रहेगा मात्र नीचे में माइनस हो जाता है, इसलिए यहाँ पे हमारा हो जाएगा क्या साइन 3t, ये हो गया हमारा आंसर। ऐसा सा क्वेश्चन नहीं पूछता है, ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में सिर्फ पूछता है एक नंबर में। और अब हमारे क्वेश्चन की तरफ चले क्वेश्चन नंबर थर्ड, जो हम बता बोल दिए क्वेश्चन नंबर थर्ड हम नहीं बताएंगे क्योंकि क्वेश्चन नंबर सेकंड का ही है, आप चलते क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ, आप लोग इसे सोल्व कर लीजिएगा, आप लोग सोल्व कर लीजिएगा इस क्वेश्चन नंबर थर्ड को क्योंकि बहुत ही आसान है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का ही है फोटोकॉपी, मात्र यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस है जस्ट वही है। और देखिए यहाँ पे देखिए ऊपर में एस है, क्या चीज बोलते हैं जब एस रहेगा तो ऊपर में क्या चीज होता है कॉस यहाँ पे आता है तो कॉस हो जाएगा और बीच में हाइपर माइनस नहीं है तो इसलिए हाइपर बल्क नहीं रहेगा, तो मतलब कॉस का क्या चीज रहेगा कॉस 80, हाइपर बल्क नहीं रहेगा तो इसलिए कॉस 3t हो जाएगा और ई टू दी पावर 40 बाहर निकल जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर फोर हमारा क्या चीज बोलता है,
लैप्लास इनवर्स 6s माइनस 11y 4s स्क्वायर प्लस 25। अब आप लोग सोच रहे हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा। देखिए ये कैसे सॉल्व होगा, तो हम फॉर्मूला में बताए थे कि एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर नीचे होना चाहिए। देखिए तो यहाँ पे एस स्क्वायर भी नहीं है, ए स्क्वायर तो हो जाएगा क्योंकि 5 का स्क्वायर है यहाँ पे, तो 5 का स्क्वायर तो 25 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे एस स्क्वायर तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट 4 है, तो कॉन्स्टेंट 4 को हम इलिमिनेट करने के लिए देखिए इसे कैसे बनाते हैं हम लोग सोल्यूशन। हमारा जो रिमाइंडर है उसे हम नीचे लिख देते हैं 4s स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू, अगर हम इसमें 4 से भागा दे देंगे, 4 से भागा दे देंगे मतलब तो क्या हो जाएगा, 4 से हम डिवाइड कर दे रहे हैं तो 4s स्क्वायर प्लस 25 बाय 4। तो हम लोग 4s स्क्वायर प्लस 25 का 40 से ऐसे लिख सकते हैं s स्क्वायर s स्क्वायर प्लस 25 बाय 4 का होल स्क्वायर, क्योंकि देखिए s होल स्क्वायर नहीं s 25 बाय 4, क्योंकि हम 4 एलसीएम लेंगे, मान लीजिए हम 4 एलसीएम लिए इसका तो 4 यहां पे कितनी बचेगा 4s स्क्वायर प्लस 25 हमारा याद आ गया, इसीलिए हम लोग इसे ऐसे हम लिख सकते हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा एस का स्क्वायर प्लस 5 बाय 2 का होल स्क्वायर। देखिए अब हमारा आ गया ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। अब हम इसका वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा लैप्लास इनवर्स 6s माइनस 11 बाय एस स्क्वायर प्लस 5 बाय 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए हम लोग दो पार्ट से कर दे रहे हैं, एक पार्ट 6a पार्ट और एक पार्ट a पार्ट, तो क्या चीज लैप्लास इनवर्स 6s बाय एस स्क्वायर प्लस 5 बाय 2 का होल स्क्वायर। अभी जब माइनस तो माइनस, फिर 11 बाय एस स्क्वायर प्लस 5 बाय 2 का होल स्क्वायर। ये देखिए हम ऐसे कर दिए। उसके बाद हम लिनियरिटी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, लिनियरिटी प्रॉपर्टी से हम दोनों में लैप्लास लगा सकते हैं और कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हैं, तो क्या चीज है कांस्टेंट बाहर, तो कांस्टेंट बाहर 6 लैप्लास इनवर्स एस बाय एस स्क्वायर प्लस 5 बाय 2 का होल स्क्वायर माइनस 11, यहाँ पे कांस्टेंट तो 11 बाहर हो जाएगा, 11 लैप्लास इनवर्स 1 बाय एस स्क्वायर प्लस 5 बाय 2 का होल स्क्वायर। ये हो गया, आप लोग इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद हम चलेंगे आगे। आप लोग इसे नोट कर लीजिए इतना तक, उसके बाद ऊपर मिटा दे रहे हैं। अब देखिए क्या चीज होगा, अब देखिए उसके बाद इज इक्वल टू 6 लैप्लास इनवर्स ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। हम बताए थे ए से ऊपर आता है तो कॉस लगता है, बीच में प्लस है तो मतलब कॉस का हाइपरबोलिक नहीं आएगा, तो कैसे हो गया एस बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मतलब 5 बाय 2 का स्क्वायर, तो एस बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो कैसे हो जाएगा 6 लैप्लास इनवर्स एस बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो कॉस 80। तो ये हमारे यहाँ पे क्या चीज है 5 बाय 2 और टी माइनस, बीच में माइनस तो माइनस 11। अब देखिए ऊपर में एस नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे साइन का लगेगा और साइन का लगेगा तो देखिए ऊपर में क्या चीज आता है ए जो रहता है ए ए ऊपर में भी रहता है, यहाँ पे ऊपर में भी तो नहीं है, तो हम क्या करेंगे 5 बाय सॉरी यहाँ पे नहीं, अगले स्टेप पे हम कर देते हैं लैप्लास इनवर्स 5 बाय 2 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 5 बाय 2 से डिवाइड भी कर देंगे हम, तो क्या चीज हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस
फाइव बाई टू का होल स्क्वायर, ये तो हम मल्टीप्लाई कर दिए, अब फाइव बाई टू से डिवाइड भी कर दे रहे हैं इसे बाय फाइव बाई टू, इसे हम डिवाइड भी कर दिए। तो हम लोग देख रहे थे फाइव बाई टू से मल्टीप्लाई कर दिए, फाइव बाई टू से डिवाइड कर दिए, तो क्या चीज हो जाएगा a बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो क्या चीज हो जाएगा सिक्स कॉस फाइव बाय टू टी। अब देखिए वन टू थ्री सबसे नीचे सबसे ऊपर, मतलब ट्वेंटी टू बाय फाइव क्या चीज हो जाएगा साइन फाइव बाय टू टी, ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। इस तरह क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करते हैं। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव हमारा, क्वेश्चन नंबर फाइव हमारा है लैपलास इनवर्स टू एस माइनस फाइव वाई एस स्क्वायर माइनस फोर सॉल्यूशन। देखिए ये तो हमारे नीचे नीचे का फॉर्म है ए स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्म नीचे में है, इसे हम कुछ नहीं छेड़छाड़ करेंगे, मात्र ऊपर है टू एस माइनस फाइव, इसे हम सेपरेट सेपरेट कर देते हैं, मतलब लैपलास इनवर्स टू एस बाई एस स्क्वायर माइनस फोर का ले सकते हैं टू का स्क्वायर, क्यों नहीं ले सकते हैं, टू का स्क्वायर होता है, टू का स्क्वायर लिख सकते हैं फाइव बाई एस स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर। अब देखिए लिनियरिटी प्रॉपर्टी लगा दीजिए, सेपरेट सेपरेट अलग कर दीजिए, तो क्या चीज हो जाएगा, देखिए टू यहाँ पे कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर, तो टू लैपलास इनवर्स एस बाय एस स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर माइनस लैपलास इनवर्स, देखिए यहाँ पे भी देखिए फाइव हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर फाइव लैपलास इनवर्स वन बाय एस स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे टू है एस बाय एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है कॉस में, अगर बीच यहाँ पे माइनस रहता है तो हाइपरबोलिक रहता है, तो कॉस हाइपरबोलिक, टू कॉस एच टू टी, ए टी ए हमारे यहाँ पे टू है, तो टू टी माइनस, यहाँ पे देखिए यहाँ पे अगर ऊपर में एस नहीं है तो मतलब साइन ही जाएगा, साइन जाएगा, बीच में प्लस नहीं है तो मतलब हाइपरबोलिक में जाएगा, माइनस है तो हाइपरबोलिक में जाएगा। अब देखिए ये हमारा ऊपर भी चाहिए, तो हम क्या करते हैं टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे और टू से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा फॉर्मूला शिफ्ट कर गया एस लैपलास इनवर्स ए बाय एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो फाइव बाय टू साइन एच ए टी, ये हो गया हमारा आंसर। आप लोग इसे नोट कर लीजिए, अब हम देखते हैं कुछ और क्वेश्चन, क्योंकि ये एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स लैपलास इनवर्स एस बाई एस स्क्वायर प्लस टू प्लस एट बाई एस माइनस एट, हम लोग जानते हैं लिनियरिटी प्रॉपर्टी से सेपरेट सेपरेट कर देते हैं, सेपरेट सेपरेट कर देते हैं सोल्यूशन लैपलास इनवर्स एस बाई एस स्क्वायर प्लस, देखिए यहाँ पे एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है, तो एक हम रूट टू ले सकते हैं रूट टू का स्क्वायर प्लस लैपलास, देखिए यहाँ पे हमारा कॉन्स्टेंट जो है सो बाहर जो था लिनियरिटी प्रॉपर्टी में, तो एट लैपलास इनवर्स वन बाई एस माइनस एट। अब हम चलते हैं, तो देखिए एस बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कौन सा फॉर्मूला होता है लैपलास इनवर्स एस बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अगर ऊपर में एस है तो कॉस, बीच में प्लस है तो हाइपरबोलिक नहीं, मतलब कॉस ए टी, तो क्या चीज हो जाएगा कॉस ए, ये हमारा रूट टू है, तो रूट टू और टी और प्लस ए, देखिए हम बताए थे फॉर्मूला लैपलास इनवर्स
वन बाय एस माइनस ए इज इक्वल टू ई टू दी पावर ए टी, फॉर्मूला बताए थे तो यहाँ पे फॉर्मूला से क्या चीज हो जाएगा, एट लैपलास इन्वर्स एट है तो ई टू दी पावर एट टी, ये हो गया हमारा आंसर। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेवन। क्वेश्चन नंबर सेवन हमारा क्या चीज बोलता है, क्वेश्चन नंबर सेवन बोल रहा है लैपलास इनवर्स एस प्लस सेवन बाय एस स्क्वायर प्लस टू एस प्लस फाइव। अब आप लोग सोच रहे होंगे ऐसा क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो ऐसा क्वेश्चन भी बहुत 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 इजी है। देखिए हम लोगों को मेन मकसद होना चाहिए जो डिनोमिनेटर में है उसे हम इसका फॉर्मूला एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मेन मकसद हमारा ये होना चाहिए डिनोमिनेटर को हम ऐसा फॉर्मूला लेते हैं। तो ऐसा फॉर्मूला लाने के लिए हमें एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला लाने के लिए हमें देखिए क्या करना पड़ेगा। देखिए हम डिनोमिनेटर सिर्फ लेकर चल रहे हैं तो एस स्क्वायर प्लस टू एस प्लस फाइव इज इक्वल टू, देखिए इसे वैसे लिख सकते हैं, इससे हम सिर्फ ऐसे लिख सकते हैं एस का स्क्वायर प्लस टू इंटू एस इंटू वन, ऐसे तो लिख सकते हैं हम। देखिए ये दोनों का सिर्फ ये दोनों भी देखिए एस स्क्वायर प्लस टू एस को एस स्क्वायर लिख दिया हम एस एस का स्क्वायर और टू एस लिख सकते हैं तो टू इंटू एस इंटू वन मतलब टू एस हो जाएगा, गुना करेंगे तो इतना ही आएगा। उसके बाद हम प्लस एक हम यहाँ पे गुना किए हैं तो वन का स्क्वायर ऐड कर दे रहे हैं, ये हो गया हमारा। अब एक ऐड भी किए हैं तो घटाना भी तो पड़ेगा हमें, है ना, बैलेंस होगा इक्वेशन माइनस वन का स्क्वायर हमें घटा दिए और लास्ट में बचा कांस्टेंट तो प्लस फाइव हम ऐड कर दिए, प्लस फाइव हम ऐड कर दिए। अब देखिए इसे मिलाकर देखिए हम इसी को एक्सपेंड फॉर्म कर दिए हैं, इतना एक्सपेंड कर दिए इसी को सिर्फ पे, अगर हम इसे काट कुट कर लाना चाहेंगे तो इतना ही सिर्फ आएगा। देखिए कैसे आएगा, एस का स्क्वायर एस स्क्वायर ये आ गया, बीच में प्लस है प्लस यहाँ पे भी है, टू इंटू वन इंटू एस तो क्या चीज हो जाएगा टू एस, टू एस हमारा है टू एस हो गया। ये देखिए बच्चा ये तीनों बच्चा ना देखिए ये प्लस का स्क्वायर माइनस स्क्वायर तो प्लस माइनस कैंसिल बच्चा हमारा सिर्फ यहाँ पे फाइव, यहाँ पे सिर्फ फाइव बच्चा। अब देखिए इसका एक्सपेंड फॉर्म यही है। इसके बाद देखिए एक फॉर्मूला यहाँ पे लग रहा है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, इतना सिर्फ इतना देखिए तो एस प्लस वन का होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग माइनस वन प्लस फाइव, इतना सिर्फ हम इतना लिख सकते हैं कि नहीं, इसको तोड़ेंगे तो एस स्क्वायर प्लस टू ए बी तो टू इंटू वन इंटू एस प्लस बी का स्क्वायर वन का स्क्वायर हो गया। इसके बाद देखिए एस प्लस वन का स्क्वायर माइनस ए प्लस फोर घटेगा तो फोर होगा ना फोर। अब देखिए एस प्लस वन का स्क्वायर और प्लस टू का स्क्वायर, देखिए हम क्या चीज बोले थे हमारा मेन मकसद क्या चीज होना चाहिए, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की तरफ लाना। देखिए एस स्क्वायर हम इसे मान लेते हैं और ये हो गया हमारा ए स्क्वायर, ए स्क्वायर आ गया हमारा इतना आ गया और इसके स्थान पर हम इतना पुट कर देंगे। अब क्या आती है लैपलास इनवर्स एस प्लस सेवन बाय एस प्लस वन के स्क्वायर और प्लस टू का स्क्वायर। अब देखिए अब लगा दीजिए यहाँ पे फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, आप लोग सोच रहे हैं कि फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा देंगे क्योंकि एस जो है एस प्लस वन में इंस्टेंट हो रहा है तो लगा सकते हैं, लेकिन देखिए ऊपर तो नहीं ना हो रहा है, ऊपर एस प्लस सेवन है, हम क्या चीज बोले थे जहां जहां एस रहेगा जो यहाँ पे एस है वही एस वहीं पे होना चाहिए, एस प्लस वन यहाँ पे है यहाँ पे एस प्लस वन होना चाहिए तो हमें यहाँ पे एस प्लस वन लाना होगा। एस प्लस वन लाने के लिए क्या चीज लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं सेवन को तो लिख सकते हैं वन प्लस सिक्स। अब देखिए तो अगर हम जोड़ेंगे तो सिक्स प्लस वन सेवन आ जाएगा हमारा, अब एस है तो एस ही है हो गया। अब देखिए जहां जहां एस है एस प्लस वन यहाँ पे भी एस प्लस वन है यहाँ पे भी है तो हम आराम से हम ई टू दी पावर एट माइनस एटी को बाहर निकाल सकते हैं। हम क्या चीज बोले थे जब एस प्लस वन रहेगा तो प्लस में आता है तो इतनी पावर माइनस एटी निकलता है, अगर नहीं रहता है माइनस होता है यहाँ पे तो प्लस एटी निकलता है, यही टू दी पावर माइनस एटी ये हमारा पे वन है
पावर माइनस टी, और बाहर निकल गया आपके बच गया एस बाई लैपलास इनवर्स एस प्लस सिक्स बाई एस स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर। हमारे पास इतना ही बच गया, ये तो बाहर निकल गया एस प्लस सिक्स बाई एस स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर, इतना आप नोट कर लीजिए और ऊपर से यस कर रहे हैं। उसके बाद हम ई टू दी पावर माइनस टी, इसे हम सेपरेट सेपरेट कर देते हैं, लैपलास इनवर्स एस बाई एस स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर प्लस, देखिए सिक्स है, लैपलास इनवर्स सिक्स बाई एस स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर। अब देखिए ई टू दी पावर माइनस एटी, हम बताए थे फॉर्मूला, फिर से बेसिक फॉर्मूला बोल रहे हैं, बेसिक फॉर्मूला वीवीआई एकदम इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, इसे रट जाइए एकदम एकदम मुजबान, एकदम ओठ पर आना चाहिए, ओठ पर आना चाहिए एकदम फॉर्मूला बोले कि एकदम बड़ा सेंस है। एस बाई एस स्क्वायर प्लस टू ए का स्क्वायर, एस बाई एस स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर कॉस ए टी, तो कॉस ए टी ए हमारा क्या चाहिए होगा टू टू और टी और प्लस। अब देखिए यहाँ पे ऊपर में एस नहीं है मतलब साइन का फॉर्मूला लाएगा पक्का हो गया, बीच में प्लस है मतलब साइन का हाथ पे वर्ड नहीं लाएगा, मतलब साइन का सिर्फ सिंपल फॉर्मूला लाएगा, तो हमारा क्या चाहिए ऊपर में टू चाहिए, क्योंकि नीचे में जो आता है जिस नीचे में ए हमारा टू है तो ऊपर में भी टू चाहिए, तो हम थ्री ले सकते हैं, थ्री को टू इंटू थ्री, थ्री लिख दें टू इंटू थ्री, अब जो थ्री है उसे हम बाहर कर देंगे तो थ्री बस, या थ्री जब बाहर हो जाएगा तो बचेगा यहाँ पर सिर्फ टू, तो टू बाय एक्स स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर, तो क्या चीज हो जाएगा साइन टू टी, ये हो गया हमारा आंसर। अब देखिए अगर हम आप क्वेश्चन नंबर एक की तरफ चलते हैं, क्या चाहिए क्वेश्चन, लैपलास इनवर्स थ्री एस प्लस सेवन बाई एस स्क्वायर प्लस टू एस माइनस थ्री, ये हमारा है। देखिए हम नीचे भी नीचे हम क्या चीज बोले थे, नीचे हमारा एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर चाहे एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ऐसा फॉर्मूला रहना चाहिए, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर चाहे एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये दोनों का फॉर्मूला रहना चाहिए। देखिए तो नीचे ऐसा फॉर्मूला है नहीं है, इसे हम ऐसा फॉर्मूला लाने का प्रयास करेंगे, फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे जो फॉर्मूला पिछले बार लगाए थे क्वेश्चन नंबर सेवन में, वही चीज करेंगे, सोल्यूशन एस स्क्वायर प्लस टू एस माइनस थ्री इज इक्वल टू, देखिए एस स्क्वायर ले सकते हैं एस का स्क्वायर प्लस टू इंटू एस इंटू वन, इससे हम टू इंटू एस इंटू वन टू एस हो जाएगा हमारा। अब देखिए वन से गुना किए हैं तो वन को जोड़ दे रहे हैं वन का स्क्वायर, अगर जोड़ दिए वन तो वन को घटाना भी तो पड़ेगा, तो माइनस वन का स्क्वायर, लास्ट में माइनस थ्री था तो माइनस थ्री। अब देखिए इसे इतना हो जाएगा, ये हमारा इतना को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो टू एस हो जाएगा, ये से ये कट जाएगा फिर माइनस थ्री बचेगा माइनस थ्री, मतलब इसी को हम एक्सपेंड फॉर्म कर दिए। अब हम क्या चीज लिख सकते हैं इसे एस प्लस टू का सॉरी एस प्लस वन का होल स्क्वायर, इसे हम लिख सकते हैं एस प्लस वन का होल स्क्वायर, हाँ लिख सकते हैं क्यों नहीं लिख सकते हैं, देखिए हम लिख सकते हैं इतना को सिर्फ माइनस थ्री और माइनस वन फोर मतलब टू का स्क्वायर। अब देखिए इसके स्थान पर हम ये पुट कर दे रहे हैं, लैपलास इनवर्स थ्री एस प्लस सेवन बाई एस प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर। अब देखिए हमारा यहाँ पे एस प्लस वन है तो मतलब ऊपर भी एस प्लस वन होना चाहिए, तो यहाँ पे तो थ्री एस है तो हम क्या करेंगे, तो देखिए क्या करते हैं, लैपलास इनवर्स थ्री एस प्लस देखिए इसे हम ऐसे ले सकते हैं थ्री एस प्लस सेवन को थ्री इंटू एस प्लस वन प्लस फोर, देखिए लिख दिए यहाँ पे हम समझा दे रहे हैं कैसे लिख सकते हैं, थ्री एस प्लस सेवन इज इक्वल टू थ्री
एस प्लस वन इंटू प्लस फोर। देखिए अगर हम इसे अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या चीज हो जाएगा, थ्री से थ्री एस यहाँ प्लस थ्री और प्लस फोर, तो क्या चीज हो जाएगा थ्री एस और प्लस सेवन। आगे हमारा इतना ही मतलब इसे हम लिख सकते हैं, क्यों लिखे हम ऐसे, क्योंकि हमें एस प्लस वन ऊपर में चाहिए था, इसलिए एस प्लस वन हम ऊपर में लिखने के लिए ऐसे हम किए इतना बाय एस प्लस वन का होल स्क्वायर और माइनस टू का स्क्वायर। अब देखिए अब आराम से हम जहां जहां एस है वहां वहां एस प्लस वन है, तो हम फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से हम यहाँ पे ई टू दी पावर माइनस ए टी को बाहर कर सकते हैं। तो माइनस ए टी यहाँ पे ए क्या चीज है, ए हमारा वन है, तो ई टू दी पावर माइनस टी बस ये क्या चीज लैप्लास इनवर्स। यहाँ पे देखिए यहाँ पे एस बचा सिर्फ तो थ्री इंटू एस थ्री एस प्लस फोर बाई ये कितना बचा, यहाँ पे एस बचा सिर्फ तो एस स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर, इतना हो गया हमारा। इसके बाद हम इरेज कर रहे हैं ऊपर, आप लोग नोट कर लीजिए नहीं नोट किए हैं तो। उसके बाद देखिए हम क्या करते हैं, उसके बाद कुछ नहीं है बस, फिर हम इसे सेपरेट सेपरेट कर देंगे, अलग अलग कर देंगे और क्या। देखिए e टू दी पावर माइनस टी सेपरेट सेपरेट करते हैं, लैपलास इनवर्स थ्री एस वाई एस स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर प्लस लैपलास इनवर्स फोर बाई एस स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर, ये हो गया। अब देखिए ई टू दी पावर माइनस एटी बाई लिनियरिटी प्रॉपर्टी तीन जो है कॉन्स्टेंट है इसे हम बाहर कर सकते हैं, तो थ्री लिख दिए बस। क्या यहाँ पे क्या चीज एस बाई एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बोले थे जब ऊपर में एस रहेगा तो कॉस का फॉर्मूला रहेगा, अगर बीच में माइनस रहेगा तो हाइपरबोलिक रहेगा, तो कैसे हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक एटी, ए हमारा टू है तो टू टी। उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारा क्या चीज चाहिए, एस ऊपर में एस नहीं है तो मतलब साइन का लगेगा फॉर्मूला, साइन फॉर्मूला लगेगा, बीच में माइनस है मतलब हाइपरबोलिक आएगा, साइन हाइपरबोलिक हाइपरबोलिक आएगा। उसके बाद देखिए हमें ऊपर में एच चाहिए, ए ए ए ए हमारे यहाँ पे टू है तो टू हमें चाहिए, तो ऊपर में टू चाहिए हमें, लेकिन हमारे पास तो फोर है तो फोर को हम ले सकते हैं टू इंटू टू, एक टू को हम बाहर कर देंगे प्लस टू बच गया यहाँ पे क्या चीज वन टू बच गया, तो ए बाय एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मतलब टू बाय एस स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर, तो साइन हाइपरबोलिक ए टी ए हमारा टू है तो टू टी, ये हो गया हमारा आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नाइन जो कि हम नहीं बताएंगे क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर सिक्स सेवन एट की तरह है, हम लिख दे रहे हैं आप लोग ये सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर नाइन, लैप्लास इनवर्स एस प्लस वन बाई एस स्क्वायर माइनस टू एस प्लस टू, ये क्वेश्चन वीवीआई है, एग्जाम में पूछा हुआ है, आप लोग इसे बना लीजिएगा, अगर नहीं बनेगा तो कमेंट कर दीजिएगा, हम एक वीडियो बना देंगे इस पर भी। और आप लोग को पता ही होगा एग्जाम का डेट निकल चुका है, 26 फरवरी से हमारा एग्जाम है इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के लिए, 26 फरवरी को फर्स्ट शिफ्ट में मैथ है, फिर 26 तारीख के बाद 2 तारीख को एग्जाम है, 2 तारीख को कंप्यूटर है सी लैंग्वेज फर्स्ट शिफ्ट में ही है, फिर 2 तारीख के बाद 4 तारीख को है, 4 तारीख को एनालॉग है, एनालॉग जो है सो फर्स्ट शिफ्ट में ही है, फिर 6 तारीख को है, 6 तारीख को हमारा ड्राइंग है, ड्राइंग एंड ड्राफ्टिंग वो भी फर्स्ट शिफ्ट में ही है, और फिर लास्ट में 9 तारीख को है, 9 तारीख को हमारा मेजरमेंट है इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट वो भी फर्स्ट शिफ्ट में ही है, तो आप लोगों को टाइम अच्छा खासा मिल गया है, मतलब बीच में देखिए गैप कितना है 26 फिर 2 फिर 4 फिर 6 फिर 9, मतलब तैयारी आप अच्छे से कर सकते हैं, अभी से गैप लग सकते हैं तैयारी अच्छे से कर सकते हैं, इसलिए हम बोल रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल है ऑनलाइन डिग्री क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैथ जो है सो एकदम लैपलास फॉरियर सीरीज ये हमारा खत्म हो जाएगा, और जो बचा इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन फिर न्यूमेरिकल एनालिसिस एक और चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन ये हमारा
जब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा तो नोटिफिकेशन आपको आता रहेगा, क्योंकि उसका ही वीडियो ला रहा है वो, हम नहीं, हमारे दूसरे सर साथी सर पढ़ा रहे हैं, वो पढ़ा रहे हैं कि उसलिए हम इस नहीं पढ़ाएंगे, हम लैब लास्ट और फर्स्ट ईयर से पढ़ाएंगे, उसके बाद हम नहीं पढ़ाएंगे, उसके बाद वो सर पढ़ाएंगे, आप लोग उसे देख सकते हैं। आप लोग मैथ का तैयारी 70 में आप लोग स्कोर 60+ कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर में इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।